Assalamu alaikum, dear parents and students, how are you? I hope you will be fine. So, आज की जो मेरी वीडियो है ये Zoom के ऊपर है. अच्छा, अब जो एक सिलसिला चल चला है कि ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस एक सॉफ्टवेयर है Zoom, उसके ऊपर दी जा रही हैं, तो मुश्किल ये आ रही है कि बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उसको नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी गाइडलाइंस इंशाल्लाह दूंगा कि आप किस तरीके से उसको चला सकते हैं, कैसे उसके ऊपर अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, वो सारी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़ आपको इसके लिए जो Zoom के लिए आपको चाहिए, सबसे पहली चीज़ Zoom के लिए आपको जो एक बेसिक चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए एक हैंड फ्री या एक हेडफोन आपके पास मौजूद हो. ये इसके बगैर आप क्लास इसके ऊपर अटेंड नहीं कर सकते Zoom के ऊपर. अच्छा, दूसरी चीज़ इसके लिए आपके पास मोबाइल स्मार्टफोन ये होना लाजमी है. बिल्कुल स्मार्टफोन अगर आपके पास नहीं है आप लैपटॉप में इसके कनेक्ट कर सकते हैं. अगर लैपटॉप भी आपके पास नहीं है तो आप डेस्कटॉप या आपके पास कंप्यूटर पीसी हो आप उसमें इसको कनेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, इनके लिए आपको इंटरनेट का होना लाजमी है. इसके लिए अगर इंटरनेट आपके पास नहीं है और मोबाइल लैपटॉप वगैरह है तो आप फिर भी अटेंड नहीं कर सकते. तो इनके मोबाइल, हैंड फ्री और इंटरनेट, आपके पास ये तीन चीज़ें होनी लाजमी है. अगर मोबाइल नहीं है तो आप लैपटॉप से कनेक्ट कर लें, लैपटॉप नहीं है तो आप अपने डेस्कटॉप या पीसी से कनेक्ट कर लें. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना क्या है, आपके पास व्हाट्सएप के आप व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स के अंदर लिंक आ रहे होंगे, क्लासेस की डिटेल आ रही होगी, टाइमिंग्स आ रहे होंगे, टॉपिक आ रहा होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम Zoom के ऊपर आ रहे हैं, तो वो सिंपल क्या करेंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे. इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद ही आपके पास आप Zoom की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे. ठीक है, यहाँ से ये कह रहा है डाउनलोड एंड रन Zoom. तो आपको फर्स्ट टाइम Zoom सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, उसके लिए डाउनलोड का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है. इसको डाउनलोड कर लें, ओपन. ठीक है, Zoom डाउनलोड हो रहा है हमारे पास. अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आ रहा है, इन केस आपके पास ये लिंक नहीं खुल रहा है, तो आप सिंपली गूगल के अंदर जाएं, गूगल के अंदर लिखें Zoom, आप सिंपली लिखेंगे और इंटर कर दें. उसके बाद ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा Zoom के, आप ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर आप चले जाएंगे. यहाँ पर ये फर्स्ट लिंक दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लें, सॉरी इसके ऊपर क्लिक कर लें, या ये डाउनलोड्स लिखा हुआ है इनके ऊपर क्लिक कर लें. तो मैं प्रेफर आपको ये करूँगा कि आप फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करें, और जब ये लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा आप सिंपल यहाँ पर ही आपको दिख रहा है रिसोर्सेज, इसके ऊपर आ जाएं, और इसके ऊपर आने के बाद आप क्लिक करेंगे डाउनलोड Zoom क्लाइंट. ठीक है, आपके पास ये आ गया. सबसे पहले आप ये इसको डाउनलोड कर लें, Zoom क्लाइंट फॉर्मेटिंग, इसको डाउनलोड कर लें. बस ये हमारा डाउनलोड हो रहा है अभी, इस वाले को आप डाउनलोड कर लेंगे. इसके बाद इसको ओपन करेंगे. ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम ले सकता है, मे बी कि आप का सिस्टम या लैपटॉप अगर फास्ट नहीं है तो वो हैंग हो सकता है, इसको भी आप थोड़ा सा वेट करना होगा आपको. उसके बाद ये डाउनलोड हो गया. डाउनलोड होने के बाद इधर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, ज्वाइन अ मीटिंग एंड साइन इन. अगर आप स्टूडेंट हैं और तो आप करेंगे ज्वाइन मीटिंग के ऊपर क्लिक. यहाँ पर से आपको जो आईडी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर से हम देख लेते हैं, ये हमारी मीटिंग आईडी आ रही है, इसको आप कॉपी करेंगे या टाइप कर दें. इसको नोट करके आप इसके ऊपर आएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. ठीक है, आपसे ये आपके आपका नाम मांग रहा है, आप अपना स्टूडेंट्स का नाम डाल दें, फॉर एग्जांपल जो भी है अली, अगर आपका नाम जो भी एक्स वाई जेड आप वो इसके ऊपर लिख दें.
उसके बाद इसको ज्वाइन के ऊपर क्लिक करें। अगर यहाँ से आप कुछ ऑप्शन पूछ रहा है कि आप अपनी वीडियो उधर शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, और शो नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। और ये ऑडियो का आपसे पूछ रहा है, अगर अपनी ऑडियो आप वहाँ पर कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप ये दोनों चेक ना लगाएं, अगर चेक लगे हुए हैं तो इनको हटा दें, ठीक है, और रिमेंबर के ऊपर क्लिक कर दें। उससे ये क्या होगा कि आपकी आईडी नेक्स्ट टाइम के लिए सेव हो जाएगी आपके पास, और ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर दें, कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट होने के बाद ये आपसे मांगेगा पासवर्ड, जो आपका यहाँ पर इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। और एग्जाम्पल हमारा ये क्लास 3 का है, तो क्लास 3 का हम पासवर्ड यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ लाके हमने इसको बेहतर ये है कि आप टाइप कर लें CLASS क्लास 3 और ज्वाइन मीटिंग के ऊपर क्लिक कर दें आप। अच्छा, रॉन्ग पासवर्ड ये अभी कह रहा है, क्योंकि अभी हमारी क्लास कनेक्ट नहीं है, इसकी वजह से ये पासवर्ड रॉन्ग कह रहा है। इंशाल्लाह, हाँ, हमारी क्लास अभी कनेक्ट नहीं है, तो इसकी वजह से ये रॉन्ग पासवर्ड कह रहा है। हम एक दफा और एंटर करके देख लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई कर रहा है। ये टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट मीटिंग, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरीके से अगर ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब क्लास अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई है। जो आपका टाइम है उसके ऊपर आप आए, अगर फॉर एग्जांपल ये आज क्लास होगी, जो भी आपकी डेट है उसके ऊपर आप टाइम नोट कर लें कि किस टाइम पर आपकी क्लास स्टार्ट होगी, तो ये 12 बजे क्लास स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। तो आप इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लें। अब नेक्स्ट जो उसके बाद जब आप अगर इनके क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आपके पास यहाँ मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप उसको कर देंगे लीव मीटिंग। अगर मीटिंग एंड हो रही है तो आप उसको लीव मीटिंग कर देंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए आप अब आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ना ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप ना ही आइए, आपको कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल स्टार्ट के अंदर आएंगे तो ये लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास स्टार्ट जूम, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। आप ज्वाइन मीटिंग करें। अब जो हमने लास्ट इसके अंदर आईडी दी थी वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव होगी, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर चेक लगा दिया था कि रिमेंबर माई नेम फॉर फ्यूचर मीटिंग, तो इसलिए आपके पास मीटिंग सेव हो जाएगी आपके पास। अब ये आपको नोट करना है कि यह क्लास 3 की मीटिंग है आपके पास, तो इसलिए इसको नोट करना। अगर क्लास 2 की है तो आपको नोट करना है। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके 2 या 3 स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं आगे क्लास 3 में क्लास 2 में, तो उनके लिए आपको सेपरेट लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करना होगा। अगर एट ए टाइम एक क्लास चल रही है, अगर क्लास 2 10:30 बजे स्टार्ट हो रही है, आपकी 10:30 पर स्टार्ट हो रही है, और क्लास 7 भी आपकी 10:30 पर स्टार्ट हो रही है, तो आपको दोनों स्टूडेंट्स को अलग अलग लैपटॉप या मोबाइल देना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप अवेल करें प्लीज़। एक ही वक्त के अंदर इसके अंदर एक क्लास चलेगी, तो 2 स्टूडेंट्स आप इसके अंदर एक वक्त में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी आप नोट किए रहिएगा कि अगर 2 स्टूडेंट्स हैं आपके और एट ए टाइम क्लास स्टार्ट हो रही है 10:30 पर, तो आपको दोनों को अलग अलग हैंड फ्री इसके साथ या हेडफोन ज़रूर कनेक्ट करें, उसके बगैर आप ना ही सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। इसलिए तो ये जो तरीका जो मैंने आपको बताया, ये तो लैपटॉप या पीसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा जो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा वो इंशाल्लाह मोबाइल के अंदर होगा। मोबाइल के अंदर आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, वो भी सेम है। तो मेरी गुजारिश ये है सबसे पहले कि जब आप पासवर्ड टाइप करें और या आईडी आप टाइप करें, तो उसमें बराए मेहरबानी स्पेलिंग्स को चेक कर दीजिएगा। कहीं स्पेलिंग गलत होती है, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जी मीटिंग कनेक्ट नहीं हो रही, तो बराए मेहरबानी अगर कैप्स लॉक वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ स्मॉल में हमारे पास आएगा, हमने C प्रेस किया, LASS क्लास
ज्वाइन मीटिंग पे हम क्लिक कर देंगे। अगर पासवर्ड गलत होगा तो इनकरेक्ट पासवर्ड कहेगा। अभी हमारी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, तो इसको भी आप नोट कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि आप मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।